हेलो गाइज, आपका स्वागत करते हैं इंजीनियर प्रिंस कुमार यूट्यूब चैनल में। आज का वीडियो है कि डू वाइल लूप कैसे वर्क करता है जावा प्रोग्राम में, इवन सभी प्रोग्राम में कैसे वर्क करता है, हम वर्किंग को समझेंगे। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू गो एंड लुक एट दिस, हाउ टू वर्क टू डू वाइल लूप। सिंटैक्स, इट्स ए जनरल सिंटैक्स। फर्स्ट यू कैन राइट सम स्टेटमेंट्स, इट्स सिमिलर ऑफ द फॉर लूप एंड सिमिलर ऑफ द वाइल लूप, बट वर्किंग इज डिफरेंट। ओके, फर्स्ट राइट सम स्टेटमेंट्स, इट्स एग्जीक्यूट ओनली वन टाइम, बट वट एवर यू राइट इन साइड द डू, डू इज ओपनिंग एंड इट्स ए डू क्लोजिंग। एंड नाउ यू हैव टू वेरीफाई द एक्सप्रेशन, ई एक्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इट मीन्स यहाँ पे कोई कंडीशन होना चाहिए, वो कंडीशन क्या हो सकता है, कोई ट्रू आ सकता है, कोई कंडीशन हो सकता है ट्रू या फॉल्स, कोई एक्सप्रेशन होना चाहिए जिससे कि आपके प्रोग्राम को इटरेट हो। तो जो भी लाइनें हम लिखते हैं इस डू के अंदर, यानी कि इनसाइड द डू, मतलब इसके अंदर जो कुछ भी लिखेंगे अगर इसे अंटर किया तो एटलीस्ट वन टाइम तो चलेगा ही, भला कोई कंडीशन सेटिस्फाई करे या ना करे। इसको बोलते हैं इंड कंट्रोल लूप, या बोल सकते हो एग्जिस्ट कंट्रोल लूप। मतलब इन टाइम पे कंडीशन चेक होता है कि क्या जो अबव स्टेटमेंट है उसको फिर से रन करवाना है क्या। तो फिलहाल तो हमको नहीं करवाना है, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे एक सिंटेक्स की जनरल सिंटेक्स है और एटलीस्ट वन टाइम चलेगा नॉर्मल स्टेटमेंट की तरह। लेकिन जैसा ही यहाँ पे आएगा तो उसके बाद इसको दिखेगा वाइल, वाइल के बाद इसको दिखेगा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में मान लेते हैं कुछ वैल्यू हो कि आई लेस देन इक्वल टू 10, आई ग्रेटर देन 10, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई नॉट इक्वल टू 10, सो मेनी एक्सप्रेशन हो सकता है। उससे लॉजिकली जो आंसर आएगा ट्रू या फॉल्स, दो कंडीशन ही हो सकता है क्या, तो उससे ट्रू आएगा नहीं तो फॉल्स आएगा। तो जो भी ट्रू या फॉल्स आएगा उस, अगर ट्रू आया तो फिर से रिटर्न डू के पास चला जाएगा और फिर से इसी लाइन को दोहराएगा, फिर से आएगा, फिर से एक्सप्रेशन चेक करेगा, एक्सप्रेशन क्या ट्रू है फॉल्स है, मान लेते हैं फिर से ट्रू है, फिर अगेन जाएगा, अगेन फिर से यही स्टेटमेंट को रिपीट करेगा, अगेन अगर फिर से ट्रू हो रहा है तो फिर से रिपीट करेगा डू को। यदि जैसा ही मेरा कंडीशन यहाँ पे फॉल्स होगा, यानी कि वाइल जैसा ही फॉल्स होगा, और सेमी कलन देना मत भूलना क्योंकि इससे मेजर इशू बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, सेमी कलन जरूरी है। जैसा ही यहाँ पे फॉल्स आया तो ई डू के पास न जा करके उसके बाद फर्दर जो भी स्टेटमेंट होगा उसको रन करेगा। तो चलिए हम देखते हैं इसको लाइव कि कैसे सही में वर्क करता है। तो हमारे पास एक यहाँ पे क्लास है डू वाइल लूप, इसमें हम क्या करेंगे कि एक प्रिंट करा लेते हैं सिंपल सा वैल्यू, इससे प्रिंट करवा के देखते हैं कि आउटसाइड द, लिख सकते हैं कैसे लिख सकते हैं कि आप लिख दो कि बिफोर बिफोर इंटरिंग द डू स्टेटमेंट या डू स्टेटमेंट ब्लॉक, ठीक है। आप मतलब डू के अंदर जाने से पहले एक मैसेज प्रिंट करा रहे हो और डू उसके बाद लिखे, डू के बाद ए देना मत भूलना और याद से तुम्हें याद होनी चाहिए डू। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो मेन मेरा क्लोज हो गया, अब इस डू के बाद क्या लिखेंगे, इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होंगे, मान लो कि स्टेटमेंट्स एक लिखे सिस और हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं, एक वेरिएबल लेते हैं यहाँ पे इंट आई इक्वल टू 10, आई फिलहाल मेरा कितना है 10 है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं आई के वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं, आई के वैल्यू को प्रिंट करा ले रहे हैं और यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आई को प्रिंट कर दो। और यहाँ पे जो कंडीशन लिखेंगे वाइल, जो भी स्टेटमेंट यहाँ पे लिखोगे वो ट्रू होने के बाद लूप चलेगा ही चलेगा, ठीक है। और कंडीशन लिख देते हैं हमेशा ही रिप्रेजेंट करेगा कि क्या चल रहा है, तो इसमें आप लिख सकते हो इन साइड द लूप, इन साइड द लूप, ओके। इससे आपको ही पता चल जाएगा कि हाँ इन साइड द लूप एग्जीक्यूट हो रहा है। वाइल, वाइल में कंडीशन जो देंगे, देखेंगे कि आई लेस देन
20। जब भी आई का वैल्यू 20 से छोटा हो तब ये लूप चले, अदरवाइज नहीं चले। और याद करके आपको सेमी कलन देना, नहीं तो एरर आएगा। और उसके बाद लास्ट एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो हमको बताए कि हाँ प्रिंट हो गया, आउटसाइड द लूप हमको बता देगा कि हाँ आप लूप के आउटसाइड चले आए। तो यहां पे अगर आप कोई भी स्टेटमेंट दो, ए लूप वाइल कंडीशन के ट्रू होने के बाद चलेगा, और वाइल में वही कंडीशन लिखते हैं जो कि ट्रू हो या फॉल्स हो। जैसे ही फॉल्स आएगा, देखिए जैसे ही आई का वैल्यू 10 रहेगा एक बार तो चलेगा बाय डिफॉल्ट। मान लेते हैं फिलहाल आई का वैल्यू यहाँ पे बहुत कम है, हम इसको रन करेंगे कि कैसे चल रहा है और इसमें कैसे प्रिंट हो सकता है। तो देखिए हम रन करते हैं इस कोड को, ये हुआ आपके सामने रन, देखिए इसका आउटपुट क्या आता है। इनफाइनाइट टाइम चलने लगा एंड इसका आ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि हमेशा ही ट्रू रहा है, हमेशा ट्रू कैसे रहा, कोई रीजन हो सकता है। तो हमने इसमें चला प्रोग्राम में, ओके तो ये रहा आपका कोई कहां पे डू व्हाइल। और यहां पे हम लिख रहे हैं कि जो आई का वैल्यू है प्रिंट हो रहा है, और आई का वैल्यू इनिशियलाइज है टेंस है, और आई लेस देन हमेशा होना चाहिए कितना 20। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इक्वल टू, और आई का वैल्यू हमेशा हम एक ही रखे हुए हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं, लेकिन हमको बढ़ाना चाहिए था यहाँ पे आई का वैल्यू।